सफदर भाई, हमारे कलीग, हमारे दोस्त निहाल भाई, तन्नू भाई, इरफान भाई, राजू भाई, हमारे बाएं में बैठे हमारे बुजुर्ग बहुत ही अच्छे मुकर्रर मुबारकी भाई, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं बबलू भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए, और सोना भाई से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पे आए। मोहम्मद फहीम भाई और बबलू भाई आप स्टेज पे आए। पकड़िए रहिए, और सबसे अहम इस प्रोग्राम के रूह रवा हमारे इस इलाके की काउंसिलर कोऑर्डिनेटर सना अहमद जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया, सजाया, मन सजाया, और अपनी मेहनत से तमाम वर्कर और लीडरों को जोड़ा है। जिस तरह हमारे दिलों में राज करने वाले इकबाल भाई के बाद सना ने इस वार्ड की भाग दौड़ संभाली, और उसके बाद जिस तरह से इस इलाके के सारे वर्करों को इकट्ठा किया, एक जगह पर लाया, ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। आज यहाँ पे द्वारे सरकार का जो तीसरा फेज़ है, पहला फेज़ हम लोगों ने किया था कम्युनिटी हॉल में, दूसरा किया हम लोगों ने रिबन स्क्वायर मैदान में, और आज ये तीसरा फेज़ हो रहा है। पहला दो फेज़ में हम लोग लगभग 4,500 से ऊपर हम लोग फॉर्म्स का एप्लीकेशन दे चुके हैं, उसमें से 600-700 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और आने वाले 9 तारीख को 1,000 कार्ड्स और आने वाले हैं साथी की हमारे कम्युनिटी हॉल में। तो ये जो है स्वास्थ्य साथी का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। सिर्फ स्वास्थ्य साथी नहीं, आप खाद्य साथी का देखिए, आप आयकरश्री का देखिए, आप कन्याश्री का देखिए, रूपश्री का देखिए। रूपश्री का तो मेरे ऑफिस में कम से कम पर डे के हिसाब से 3-4 लोग आकर फॉर्म लेके भर के सबमिट करके जाते हैं। बहुतों का पैसा आ जाता है, बहुत लड़कियों की शादी की मदद हो जाती है। दीदी का जितना स्किल है, जितना आइडियाज दीदी दी हैं आज, सब पब्लिक के अच्छे के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए है। और आप हमारा ओपिनियन या पब्लिक का भी ओपिनियन लेकर देख लीजिए कि आज दीदी के काम से, टीएमसी सरकार के काम से, पूरी आवाम ये में देखा जा रहा है कि हर एक स्कीम का वो आप बैनर लगाएंगे, तो क्या हर स्कीम के तरह हर स्कीम का बैनर देख सकते हैं। पहले लोग एंटर करें कि सामने की क्वालिटी काउंटर है, हेल्प डेस्क है, जहाँ हमारे चीनियर ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो लोग बैठे हैं, फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। जहाँ पे लाइन लग रही है वहाँ पे भी हमारे वर्कर्स ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल एरिया के लड़के हैं, ये सब बहुत मेहनत से उन लोगों ने पब्लिक के, ताकि सहूलत से उनके आराम के लिए, इस तरह का हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया है। जो हमारा जो रिपन स्क्वायर में हुआ था उसी तरह का हम लोग यहाँ पर। बीजेपी एक जरूरी तौर पर काम कर रही है कि मुस्लिम जहाँ पे जो मुस्लिम बेल्ट हो रहा है या फिर मुस्लिम वार्ड हो रहा है, उस वार्ड में मुस्लिम कैंडिडेट को ही उतारा जाए, तो इस पर बीजेपी अकेली काम नहीं कर रही है। बीजेपी अपने साथ अपने एजेंट्स को लेकर काम कर रही है। बीजेपी का एजेंट है जो जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पहुँच जाता है। कुछ दिन पहले वो यहाँ पर भी आ गया था, तो वही है बीजेपी का अपना एजेंडा है। वो कम्युनल पॉलिटिक्स करेगी, हिंदू मुस्लिम करेगी, मंदिर मस्जिद करेगी। काम के बारे में तो बीजेपी कुछ कहती नहीं है, वादे करते हैं लेकिन पूरा करते नहीं है, और जनता भी जान चुकी है। और जहाँ तक माइनॉरिटी एरिया का सवाल आता है, दीदी को ही, दीदी पर ही हम सबको भरोसा है, हम सबको भरोसा है, और हम सब जैसे दीदी का हाथ से मजबूत करते आए, आगे भी इंशाल्लाह आँख बंद करके हम सब सिर्फ दीदी के लिए ही करें। माइनॉरिटी एरियाज की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब इसी के आने की वजह से मुस्लिम वोट में कुछ तब्दीली आएगी, क्या नहीं आप कैसे आ सकती है जब मुस्लिम जब माइनॉरिटीज को स्पेशल तवज्जो देकर दीदी उनके लिए काम करती है। आप माइनॉरिटी लोन्स बोलिए, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में बोलिए, हमेशा माइनॉरिटी को एक स्पेशल हिस्सा मानती है दीदी, उनके लिए खास तवज्जो भी देती है। आज अगर रेड रोड में नमाज होती है तो दीदी वहाँ पर पहुँच जाती है हम सबको अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो हमारा कंट्री का जो फैब्रिक है ये बहुत ही सेक्युलर फैब्रिक में यकीन रखता है, हमारा जो भारत देश है। तो दीदी ने उस चीज़ को अब तक जिंदा रखा हुआ है, जिसे नष्ट करने के लिए बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स घूमते हैं, मीम के लीडर्स घूमते हैं, मगर दीदी ने उस वो जो आइडियोलॉजी में हम लोग सब बिलीव करते थे, जो पढ़ लिख कर हम लोग बड़े हुए हैं कि हम एक सेक्युलर कंट्री को बिलोंग करते हैं, आज वो दीदी के ही नेतृत्व में वो देश उस तरह का भी रह सकता है। हिमालय के आने से माइनॉरिटी वोट पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग डेवलपमेंट को वोट देंगे, लोग काम को वोट देंगे, लोग मंदिर या मस्जिद देखकर यहाँ वोट बंगा लेंगे, बंगाल में कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं। हम लोगों ने 4,500 से ऊपर फॉर्म्स का सबमिशन हम लोग ले चुके हैं,
और 600 लोगों का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है और आने वाले 9 तारीख को ये 9 जनवरी को हमारे कम्युनिटी हॉल में लगभग 1000 स्वास्थ्य साथी कार्ड और आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम हो रहा है द्वारे सरकार का, बहुत अब लोगों को आसानी होगी हॉस्पिटल में। हम लोग सब जब बीमार होता है घर पे कोई तो कम से कम साल में 25,000 से 30,000 रुपए खर्चा हमारा हो ही जाता है हॉस्पिटल के चक्कर में, बच्चे के इलाज में, बूढ़े माँ बाप के इलाज में। लेकिन ये कार्ड रहने से हमारी दीदी का दिया हुआ एक तोहफा समझिए। कोरोना में दीदी ने देखा कि किस तरह से लोग परेशानी से गुजर रहे थे, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, पैसों की किल्लत हो रही थी, तभी उनके दिमाग में ये स्कीम पहले से ही था। लेकिन उन्होंने और रिवाइव किया स्कीम को, उन्होंने कहा लोग ठीक से स्कीम का फायदा नहीं उठा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लेकर ये द्वारे सरकार का प्रोग्राम जो है हर वार्ड में, पूरे 144 वार्ड जितना है कोलकाता में, सब जगह ये प्रोग्राम हो रहा है दीदी के तरफ से। तो ये कार्ड बनेगा, आपका 5,00,000 तक का इंश्योरेंस हो जाएगा। एक फॉर्म में आप देख सकते हैं कि आप लोग 10 लोगों का नाम भर सकते हैं, 10 फैमिली मेंबर्स का नाम भर सकते हैं। और जो ऊपर में बेनिफिशियरी रहेगा, जो हेड नेम रहेगा, वो घर की महिला का रहेगा, यानी कि औरत, आपके घर की माँ का नाम रहेगा, ताकि वो उस फॉर्म में अपने मायके वालों का भी नाम भर सकती हैं। अगर उनके माँ बाप के पास कोई बेटा नहीं, आपका कोई भाई नहीं है, तो ये फॉर्म आप लोग, ये कार्ड आप लोग अपने नाम में बना के अपने बूढ़े माँ बाप के भी सहूलत के लिए यूज कर सकते हैं। तो दीदी ने बहुत सोच समझकर हम सब के लिए हमेशा काम किया है और आगे भी दीदी ही कहेंगी। अब कुछ दिनों में आप देखेंगे इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होगा, एक साल से हम लोग सुन रहे हैं इलेक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत तरह की बातें हो रही है। हम लोगों ने एक साल से कोविड से हम सब गुजर चुके हैं, अम्फन से हम सब ने गुजरा, लेकिन क्या रास्ते पे, क्या लोगों के बीच तृणमूल कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी आपको दिखा, और कोई भी लीडर दिखा? सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही खड़ी होती है, सिर्फ दीदी की सरकार और दीदी के वर्कर्स, जितने तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स और जितने लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, सब अपने अपने एरिया में जाने जाते हैं, अपने एरिया के लोगों के काम आते हैं। जब कोई बीमार होता है, जब कोई जरूरत पड़ती है, तो हर एरिया में तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स का चेहरा ही पहचाना जाता है कि भाई उसके पास जाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा, वो उनको बोलूंगी मैं ऑफिस जाऊंगी तब मेरा काम हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि कौन आपका काम आता है, आपके एरिया में कौन आपकी मदद करता है, उस चीज को समझिए। क्योंकि बहुत लोग इलेक्शन आने पर भड़काने के लिए घूमेंगे, 10 तरह की बातें करेंगे, बहुत सारे पार्टी बाहर बाहर से घूमते हुए आएंगे, ये सब इलेक्शन के वक्त बहुत तरह का झंडा आपको दिखेगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका काम कहाँ होता है, डेवलपमेंट का काम कहाँ से हो रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है। आप लोग इन्फॉर्म्ड है, आप लोग न्यूज देखते हैं, मीडिया को फॉलो करते हैं, उसे देखकर आप सब समझिए। बहुत इसी चीज का आपको हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखा है। हमारे पिछले इलेक्शन में भी जो एमपी इलेक्शन हुआ था सुदीप मंगल का, उसमें भी आप लोगों ने 18,000 वोटों का लीड हम लोगों को वोट से दिया था। आज आप सब हमसे ये वादा करिए कि आप लोग कम से कम 20,000 का लीड, चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो, काउंसलर इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, तो 20,000 से ऊपर का लीड हमें चाहिए। क्योंकि दीदी हम सब पर भरोसा करती है और हम सबको दीदी के भरोसे पर खड़े उतरना है।